एक दोस्तों पहुंच गया हूँ विंध्या मासिनी मंदिर, और यहीं पे गाड़ी पार्क करते हैं और चलते हैं, दर्शन करते हैं, आपको करवाते हैं साथ में ऊपर माता जी के मंदिर। जय माता दी। विंध्या मासिनी टेम्पल, वाइल्ड लाइफ भी, मंदिर भी। आपको पता है ये कम्बिनेशन तो मेरा शुरू से ही है। कहा जाता है दोस्तों मंदिर में माता जी के टाइगर भी आता है। चल लीजिए। जय माता दी, जय माता दी। तो कंस जिस कन्या को मारना चाहता है, हाँ जी, योग माया को, हाँ जी, वो बिजली बन के हाथ से छूट के यहीं गिरती है। क्या बात कर रहे हैं आप। वही दिव्य स्थान ये विंध्यवासिनी देवी के नाम से जाना जाता है। ठीक। यहाँ की जो है मान्यता ये है कि जो भक्त यहाँ आते हैं, हाँ जी, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यहाँ पे बोलते शेर भी आता है कभी कभी, नवरात्र में पक्का आएगा, बाकी माता की सवारी है, कभी भी आ सकता है। पंडित जी, एक तो धारी वाला होता है, एक धब्बे वाला होता है। नुकसान नहीं करता, दोनों आ सकते हैं, माता का बाल वाला, बड़ा बाल वाला, धारी वाला, सारे दोनों आते। दोस्तों नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है अभी। दोस्तों मैं जा रहा हूँ यहाँ से वापस हरिद्वार, उससे पहले आएगा चिल्ला, मेरी सफारी है एक। तो रोहित रावत जी जो मोतीचूर में जिप्सी ओनर हैं, जिनकी खुद की जिप्सी चलती है वहाँ पे, तो वो मेरे को आ रहे हैं मेरे को मिलने और सफारी कराने के साथ में। तो उन्होंने जिप्सी बुक कर दी है, वो आपको अगले व्लॉग में देखेगा। उससे पहले दोस्तों मैं चाहता हूँ, मैं यहाँ आया हूँ तो विंध्यवासिनी माता के दर्शन करके ज़रूर जाऊँ। तो ये तो बनता है, अगर यहाँ आएंगे तो विंध्यवासिनी माता मंदिर चलते हैं, आपको दिखाते हैं अभी यहाँ से हरिद्वार की तरफ। तो जा रहे हैं अपने रूम से, बहुत मज़ा आया मुझे, ये रूम हमेशा याद रहेगा क्योंकि मैं यहाँ रह के जा रहा हूँ। बहुत मज़ा आया मुझे रह के, बहुत बढ़िया फील, आपने पिछले व्लॉग में देखा ही है। अभी ऊपर क्या शोर तो हुआ था पहाड़ पे रात को, लेपर्ड तो दोस्तों आता ही है। लकी को मिलना रह गया, पता नहीं कहाँ होगा, कुछ नेक्स्ट टाइम भी रखते हैं। चले शमशेर जी। तो दोस्तों जा रहे हैं अभी जंगली रिसोर्ट को, करते हैं बाय बाय, फिर आएंगे, चलते हैं विंध्यवासिनी माता मंदिर, बाय बाय जंगली रिसोर्ट। बहुत मज़ा आया सर के साथ। बहुत ही प्यारी जगह है दोस्तों, जंगल में रात को रुकने का अनुभव ही अलग होता है। अभी चलते हैं विंध्यवासिनी माता मंदिर। दोस्तों ये देखिए, यहाँ पे राइट हैंड पे पूरा फॉरेस्ट है दोस्तों। दोस्तों इसमें काफ़ी टाइगर हैं, पर आप देखिए यहाँ के टाइगर ऐसे हैं जंगल से बाहर जल्दी जल्दी नहीं आते, क्योंकि उनको जंगल के अंदर ही बहुत फूड अवेलेबल है, तो बहुत रेयर चांस होगा कि वो बाहर आए। हालांकि काफ़ी लोगों को दिखे भी हैं, पर जो दिखे हैं वो लोग मानते हैं, बाकी कितने बार ऐसे भी तो आते हैं ना जानवर जो है रात को आते हैं कभी भी। राजा जी में अच्छी पॉपुलेशन है टाइगर की, जो है काउंटिंग काफ़ी अच्छी है राजा जी में। ये देखिए इतना शानदार लग रहा है, एकदम किनारे बैठा है जैसे रखवाली कर रहा है। ये देखिए कैसे बैठा है आराम से पेड़ पे। ये देखिए कितने शाही हैं, आप समझ लीजिए कि यहाँ के लंगूर भी इतने शाही हैं, देख के डरते हैं। तो आप क्या सोचें टाइगर आपके सामने आ जाए। राजा जी ने देखिए कैसे हाइट पकड़ ली। हम कहते हैं ना कि लंगूर की कॉल पक्की होती है, लंगूर को पता चल जाता है, पर दोस्तों ये लंगूर भी तो कभी कभी टाइगर लेपर्ड किल करते हैं ना, लंगूर भी तो शिकार होते हैं ना टाइगर द्वारा लेपर्ड द्वारा जो है। अभी देखिए ये फॉरेस्ट है और इधर विलेज है इस तरफ लेफ्ट हैंड पे। देखिए दोस्तों पहुंच गया हूँ विंध्यवासिनी मंदिर, और यहीं पे गाड़ी पार्क करते हैं और चलते हैं, दर्शन करते हैं, आपको करवाते हैं साथ में ऊपर माता जी का मंदिर। यहाँ पे मैगी पॉइंट है सोहनलाल जी का,
चक्की भी है, सब कुछ है। अभी पीछे एक शेरू मेरे पीछे आ गया, शेरू, इसको कुछ चाहिए, इसको आके देते हैं बिस्किट। पहले तो सोचता था कि पानी होगा, पर इन्होंने कुछ ब्रिज बनाया हुआ है। आदि शक्ति पीठ श्री शारदा माता मंदिर आगे की तरफ बताया गया है। हम चल रहे हैं विंध्यवासिनी टेंपल। कोई हाथ में प्रसाद वगैरह है नहीं, तो बंदर का खींचने का जो चांस होता ना लंगूर का, तो माथा ही टेक देंगे वहाँ पे। थोड़ा चढ़ने में कठिन है, बड़े बड़े सीढ़ियाँ हैं, पर पता चलता नहीं है, पहुँच जाते हैं। कुछ शॉर्टकट भी हैं। इधर बंदर बैठा भाई, अपने इधर से चलते हैं आराम से, छोटे ट्रैक से। दोस्तों ये देखिए यार, ये काम गलत है, मंदिर जा रहा हूँ। जय माता दी, विंध्यवासिनी टेंपल, वाइल्ड लाइफ भी मंदिर भी। आपको पता है ये कॉम्बिनेशन तो मेरा शुरू से ही है। सांस भी फूल रही है। कहा जाता है दोस्तों मंदिर में माता जी के टाइगर भी आता है। रुकना पड़ेगा अभी। ये देखिए पास में ही है बिल्कुल, ऊपर भी मंकी बैठा मंदिर के भाई। जगह जगह बोतल प्लास्टिक मत करो यार ऐसा दोस्तों, कोई भी करता है उसको रोका करो। और बच्चों को तो बिल्कुल ये सिखाओ ऐसा करना ही नहीं है। अब जो कर रहे हैं वो पिछली पीढ़ी है, अगली पीढ़ी को तो जागरूक करो कैसा ना करें। कोई मुश्किल नहीं है दोस्तों, एक कैरी बैग रखो साथ में, उसमें इकट्ठा करते रहो, ज़्यादा वजन होगा नहीं। इससे क्या साफ रहेगी जगह ये। एक्चुअली क्या मैं कंटिन्यू ही चल रहा हूँ। जय माता दी। देखिए दोस्तों दो रास्ते आ रहे हैं वहाँ से, जंगली रिजॉर्ट से जो नीचे वाला है मैं वहाँ से आया हूँ। ये देखिए यहाँ से गाड़ी भी आ रही है, एक दूसरा तो गांव की तरफ जा रहा होगा। कितना बढ़िया व्यू है यहाँ से, वो देखिए पीछे बहुत सारे घर बने हुए हैं वहाँ पे। देखो दुनिया कहाँ कहाँ रहती है दोस्तों, असल में जन्नत स्वर्ग हैं ये जगहें, जो वाइल्ड लाइफ के साथ रह रहे हैं लोग यहाँ पे। ये देखिए पहुँच ही गया हूँ लगभग, 50 से कदम होगा आगे मंदिर। और बस दोबारा आते हैं ना कभी भी, तो पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। मैंने पिछली बार भी माथा टेका था मंदिर में, तो यहाँ कुछ फोटोग्राफ लिए थे। ये चोटी पे अभी एक घंटा था मेरे पास एक्स्ट्रा, तो मैंने कहा चलो यहाँ आया तो माथा टेकना ही बनता है। आशीर्वाद हमेशा सर पे रहना चाहिए भगवान का। ये देखिए अब इधर से रिटर्न जाएंगे राजा जी नेशनल पार्क, राजा जी टाइगर रिजर्व। जय माता दी भक्तों, कमेंट में लिख देना जय माता दी।
जय माता दी। दोस्तों पहुंच गए, दर्शन कर लीजिए। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। पंडित जी देखिए दोस्तों, खुले दर्शन माता जी के। मैंने कभी कभी तो इतनी भीड़ होती है, देखिए परिक्रमा कर ली। माता जी से आशीर्वाद लेते हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण करें। इसको चलते हैं चिल्ला की सफारी करने। जय माता दी। तो ये था दोस्तों हमारा विंध्यवासिनी मंदिर का छोटा सा ब्लॉक। ये देखिए पंडित जी, बंद कर दो ना इसको। हाँ बंदर चले जाते हैं, देखिए पूरा ना ढक दिया है। ये देखिए ऊपर बैठा पहले शिकारी। ये बोर्ड से ले लेगा। हाँ जी क्या बात है। नीचे तो आपका हवन भी होता था ना इधर कुछ नीचे। हाँ हाँ जी हाँ, ये भगवान कृष्ण जन्म लेने से पहले योग माया को आदेश दिए कि तुम जाके यशोदा के यहाँ जन्म लीजिए। हाँ जी, हम कंस के कारागार में जन्म लेते हैं देव के यहाँ। ठीक है, जन्म होता है बदल करके बस देव लीजिए लाते हैं। तो कंस जिस कन्या को मारना चाहता है हाँ जी योग माया को, हाँ जी वो बिजली बन के हाथ से छूट के यहीं गिरती है। क्या बात कर रहे हैं आप। वही दिव्य स्थान ये विंध्यवासिनी देवी के नाम से जाना जाता है। ठीक है पंडित जी, ये विंध्यवासिनी दास जी हमारे गुरु हैं यहाँ के। हाँ जी हाँ जी, आदियोगी पूज्य महायोगी विंध्यवासिनी दास जी महाराज। हाँ जी हाँ जी, नीचे हमारा धुना है। हाँ जी, अन्नपूर्णा देवी परिवार है, शिव परिवार है आदि। ठीक है पंडित जी, वहाँ पर दर्शन करेंगे। बिल्कुल, मैं पिछली बार भी गया था नीचे जहाँ पे हवन वगैरह होता है ना, यज्ञ वगैरह। आपका रहने का भी नीचे ही है पंडित जी। ये देखिए दोस्तों, ये आपका धुना है। हाँ जी वाह वाह वाह, बढ़िया से बना ले। हाँ जी पंडित जी, ये धुना है आपका। हाँ जी, ये हमारे गुरु महाराज की समाधि है, इधर जो है शिव परिवार अन्नपूर्णा देवी। सही में पंडित जी, मैं पहले भी आया था पंडित जी इधर। धुना है। हाँ जी, समाधि शिव परिवार आदि ऊपर तो जा सकते हैं ना पंडित जी। जी, ये शिवलिंग हो गए भोलेनाथ जी, ये देवी। ओम भूर्भुव स्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो नः प्रचोदयात्। देखिए दोस्तों, ये पवित्र जगह पंडित जी ने बताया स्टोरी, जिसको कंस मारना चाहते थे जब कृष्ण भगवान जी का जन्म हुआ था कारागार में। संतान थी जो है वो, ये आठवीं संतान है। आठवीं संतान थी जो कंस ने मारना चाहा था जिसे। हाँ जी हाँ जी, आज तक योग भगवती माया देवकी की, देवकी की जो। हाँ जी हाँ जी, तो हाथ से छूट के यहीं गिरी थी। बताओ क्या बात है पंडित जी, आपने तो मुझे इसकी हिस्ट्री मालूम नहीं थी, पंडित जी ने बताया। आज जो है यहाँ की जो है मान्यता ये है कि जो भक्त यहाँ आते हैं हाँ जी, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बस मैं बिल्कुल गेट पे ही हूँ। ये देखिए तो पंडित जी, भीड़ कब लगती है यहाँ पे नवरात्रों में? सब दिन लगती है, नवरात्र में ज्यादा रहती है, यहाँ पर रखने की जगह नहीं रहती है। सही में बहुत, हम तो खुले दर्शन करके जा रहे हैं एकदम। ठीक है पंडित जी, आशीर्वाद। नमस्कार जी, जय माता दी। हाँ जी वाह जी वाह, जय माता दी। दोस्तों ये था हमारा विंध्यवासिनी मंदिर का छोटा सा एक व्लॉग जो आपने देखा। छोटी सी ट्रैकिंग होती है यहाँ ऊपर आने के लिए, पहाड़ के ऊपर माता का मंदिर है। पंडित जी ने स्टोरी सुनाई कि देवकी जी की आठवीं संतान थी, जिसे कंस मारना चाहता था कृष्ण भगवान समझ के। ये देखिए, ना भाई ना, मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मेरे पास। इनको बस चाहिए प्रसाद वगैरह जो हमारे पास होता है। तो दोस्तों कैसा लगा वो लोग जरूर बताना कमेंट करके। अभी चलते हैं चिल्ला की सफारी करते हैं रोहित जी के साथ। पंडित जी यहाँ पे बोलते शेर भी आता है कभी कभी, नवरात्र में पक्का आएगा, बाकी माता की सवारी है कभी भी आ सकता है। पंडित जी एक तो धारी वाला होता है, एक धब्बे वाला होता है, नुकसान नहीं करता, दोनों आ सकते हैं। माता का बाल वाला, बड़ा बाल वाला, धारी वाला, सारे दोनों आते हैं। तो आपने देखे टाइगर दे जी? हम लोग तो करते हैं। क्या बात है, यानी आपने देख रखे हैं टाइगर जो आता है। चलिए ठीक है पंडित जी, नमस्कार। जय हो भैया, कल्याण हो, जय हो। अच्छा ठीक है, तिलक फैल गया। हाँ देखिए दोस्तों, यहाँ की पंडित जी ने जानकारी भी दी कि यहाँ पे दोनों आते हैं, टाइगर और लेपर्ड, पर कुछ कहते नहीं है, बोले
किसी को भी। हमें फिर से ये स्ट्रीम बार बार पार करनी पड़ती है। अब सामने से आ रही है बोलेरो। दोस्तों पूरा पैकेज रहता है, अगर आप विवेक भैया के पास आएंगे जंगली रिजॉर्ट में हर चीज हो जाएगी, यहाँ से हर चीज पास में है। आप वाइल्ड लाइफ का मजा भी ले लेंगे और माता जी के दर्शन भी हो जाएंगे, वाइल्ड लाइफ में स्टे भी कर लेंगे रात को जंगल में, और सफारी भी, सब कुछ मजेदार। और एक दो दिन जैसे आप लेके आते हैं, पहले गंगा जी में स्नान कर लिया, हर चीज यहीं पे है दोस्तों, सब कुछ यहीं पे है, देवभूमि है, ये टाइगर टेरिटरी है दोस्तों। ये वाली जो है 100% यहाँ से टाइगर क्रॉस करता है। अभी मैं कैमरा ऑन रखा हुआ है, मैं क्या मालूम कभी माता रानी आशीर्वाद दे दे, उनका वाहन के दर्शन हो जाए उनके जो है। अब इसी कामना से जा रहे हैं दोस्तों चिल्ला।